नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके संबंध में आपके जो भी डाउट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, इसे फ्री में आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरी बात, जिस प्रकार से राजस्थान जीके के पुराने पेपर्स से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या ये रिपीटेशन का जो परसेंटेज है, रिपीटेशन का जो रेशो है, ये सभी विषयों में सेम ही रहता है या फिर केवल राजस्थान जीके में ही ऐसा हो रहा है? तो इन सभी पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान पूर्वक जरूर देखिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो मित्रों, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये हमें मिलेंगे कहाँ, इसके बारे में भी मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा कि आप इसे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन पहले हमें देखने वाली बात ये है, इस प्रीवियस ईयर एग्जाम से कितने प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं, कितने क्या पूछे जा रहे हैं। तो मित्रों, ये डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आज तक पूछे गए हैं गत प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब देखा जाए तो राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी पेपर्स आज तक लिए गए हैं, लगभग 70-75 पेपर्स इसने कंडक्ट करवा दिए हैं, और इन 75 पेपर्स में से लगभग 60 पेपर है ये इसमें राजस्थान जीके है वो इंक्लूड है, और प्रत्येक पेपर में आप पाएंगे कि कम से कम 30 प्रश्न है और अधिक से अधिक आपको 50 प्रश्न है इन परीक्षाओं के पेपरों में आपको देखने को मिलेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि 2015 से ये कर्मचारी चयन बोर्ड अस्तित्व में आया था, और 15 से अब तक इसने लगभग 70 से 75 पेपर्स करवा दिए हैं, और प्रत्येक जो पेपर है उसमें लगभग 60 पेपरों में तो राजस्थान जीके है वो पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर एक पेपर में 40 क्वेश्चंस देखा जाए एवरेज, किसी में 30 है तो किसी में 50 है, इस प्रकार से तो भी 60 पेपरों में लगभग 2400-2500 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है हो जाते हैं, 2400 के समथिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 2400 जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं और लगभग 60 पेपर्स अगर हम देखेंगे, तो 60 पेपर में जो इसका सिलेबस है इसके राजस्थान जीके का वो लगभग लगभग सभी पेपरों में सेम ही रहता है। कुछ एक अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है तो भी उसमें ज़्यादा कुछ, जैसे पटवारी का है तो पटवारी में इतना ज़्यादा राजस्थान का जीके वैसे ऐड नहीं किया है, बाकी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली इसका JEE का हुआ और भी लाइब्रेरियन का, इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम हुआ है, तो इसमें 17 टॉपिक भूगोल के है और 15-16 टॉपिक है इतिहास, कला, संस्कृति के, तो मेनली यही रहता है। और इन टॉपिकों से अगर देखा जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनसे संबंधित, जैसे कि एक टॉपिक आप उठाकर देख लीजिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार 60 पेपरों में इनसे संबंधित एक प्रश्न तो निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है। तो हम 60 पेपरों में से 60 प्रश्न तो हमें एक ही इस टॉपिक से मिल जाएंगे, राजस्थान की स्थिति और विस्तार से। तो आप ये देखने का प्रयास करें कि 60 पेपर्स में इस एक ही टॉपिक से जुड़ा प्रश्न अगर पूछा गया है, तो अब 60 पेपर में जो प्रश्न पूछा गया है इससे बार और कौन सा प्रश्न है वो बन सकता है। वैसे राजस्थान की स्थिति और विस्तार है तो जो भी फैक्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी बुकों के माध्यम से हमने पढ़े, उसके बाद में इन पेपरों, 60 पेपरों में हम देखेंगे, 60 पेपरों में जब एक ही टॉपिक से जुड़ा जो भी प्रश्न हमें देखने को मिलेगा बार बार, थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा, चाहे कैसे भी पूछे, जो भी चीज फैक्ट्स वही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ पेपर्स राजस्थान जीके में ज्यादा है, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होता है वो ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ज्यादा प्रश्न राजस्थान जीके के हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं यही प्रश्न, तो इसीलिए अब
पेपर सेटर के पास में भी इतना नहीं बचता है कि अब पूछे क्या, क्योंकि एक ही टॉपिक है, जो भी टॉपिक दे रखा है तो उस टॉपिक से ही आपको प्रश्न है वो पूछना पड़ेगा। तो मेन बात रिपीटेशन का ये फंडा है, इसे आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आपकी मांग विशेष तौर पर यह रहती है कि जो भारतीय इतिहास, कला संस्कृति है, भारतीय भूगोल है, कंप्यूटर के प्रश्न है, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें भी क्या ये रिपीटेशन का यही चलता है या फिर उसमें इतने ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं? तो मित्रों देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आज तक अगर पेपर देखा जाए तो हद से हद हमें दो पेपर ऐसे मिलेंगे, दो या तीन पेपर, जिसमें भारतीय इतिहास, कला संस्कृति और भारतीय भूगोल उस परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल था और उनसे संबंधित प्रश्न इस बोर्ड ने पूछे हैं। ठीक है, 60-70 पेपरों में दो तीन पेपर हमें मिलेंगे। तो अब दो तीन पेपरों में आप देखिए क्या होगा, रिपीट होकर कितने क्या होंगे। एक पेपर में हद से हद 10 या 8-10 प्रश्न है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक पेपर ही उठाकर देख लीजिए, जैसे आज ये इन्वेस्टिगेट के पेपर का रिसेंटली डिस्कस जो हमने किया है, उस पेपर में 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इसके बाद वाला पेपर आएगा उसमें 90% जो रिपीट हो रहे हैं वो इस एक पेपर में आएगा, ये कतई संभव नहीं है। एक पेपर से आपको 5-7 क्वेश्चन मिल सकते हैं रिपीटेड। ठीक है, पूरा इस प्रकार से रिपीट नहीं होता है, पूरा तभी हम देख पाएंगे जब इनके सारे पेपर्स अगर हम अच्छी तरीके से उनका अध्ययन करेंगे। और ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, लगभग हम मान सकते हैं कि 60 से 70% तक पेपर जो प्रश्न है वो हूबहू रिपीट हो रहे हैं। राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ मैं, और सब्जेक्ट की नहीं। राजस्थान जीके में आपको 70% हूबहू, यानी कि गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है जिसमें विकल्प भी लगभग वही रहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न हमें 70% तक पेपरों में देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए कि बाकी हमें कहाँ से मिलेंगे, तो जो प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्न में जो ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो उन ऑप्शंस पर और उस प्रश्न के आसपास में क्या फैक्ट्स और महत्वपूर्ण है हमें याद करना चाहिए, उनसे अगर आप उनका एनालिसिस करेंगे तो आपका 70 से बढ़कर 90% या 90%+ स्कोरिंग हो सकती है। और ये स्कोरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड किए हैं, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल। ठीक है, तो ये अगर आप वीडियो देख लेंगे, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने डाले हैं, ये वीडियो आप देखिए, इतिहास कला संस्कृति का ये वीडियो कोई आज का वीडियो नहीं है, ये 7 महीने पहले डाला हुआ वीडियो है। ये जो वीडियो राजस्थान भूगोल का है, ये भी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो नहीं है, 3 महीने पहले का वीडियो है, यानी कि जब लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था। एक लाइब्रेरियन का एग्जाम तो दिसंबर 2019 में हुआ था और उसका पेपर है वो लीक हो गया, फिर इस बोर्ड ने दोबारा कंडक्ट करवाया, और उस जो दोबारा पेपर हुआ है 2020 में, उस पेपर से पहले ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। और उसके बाद में अब लगभग 7, 8 या 10 पेपर है वो हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर उस जो रिसेंटली पेपर हुए हैं उनमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितने क्या यूजफुल हैं। आप अगर ये वीडियो अच्छी तरीके से देखकर चले जाते हैं, और आपको इन वीडियो में जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं वो अगर आप पूरी तरह से कंठस्थ कर लेते हैं, याद रख पाते हैं, तो आपका यकीन मानिए कि 50 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो 45 प्रश्न तो आप बिल्कुल ही करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, और बच्चे करेक्ट करके आए भी हैं, ये जो जेईएन के एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, तो जेईएन के लिए राजस्थान जीके एक नई चीज है, नई दुनिया है, क्योंकि वो टेक्निकल पोर्शन से जुड़े रहते हैं और नॉन टेक का उन्हें बिल्कुल ही कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, पहली बार वो जुड़े केवल और केवल ये वीडियो देख कर गए, तो भी 40 में से उनके 35 प्रश्न तक सही हो रहे हैं, 40 में से 35 प्रश्न केवल और केवल इन प्रीवियस ईयर के पेपर्स
जो मैंने पीडीएफ डाली थी उनकी उन लोगों ने प्रैक्टिस की और ये वीडियो देखे। ठीक है, तो अगर आप भी खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न है वो बार बार पूछे जा रहे हैं, और इन वीडियोस में डिटेल में प्रत्येक प्रश्न का है वो विश्लेषण किया गया है, ताकि आपको और कहीं उन प्रश्नों के आसपास के जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको ढूंढने में समय खराब ना करना पड़े। इसलिए पूरी की पूरी सारी चीजें आपको डिटेल्ड में और मैप के जरिए इन वीडियोस में आपको अच्छी तरीके से बताई हुई है। ठीक है, तो ये राजस्थान जीके की बात हो गई। अगर आप दूसरी बात ये भी रहती है कि ये जो रिसेंटली अब पटवार का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें स्टूडेंट्स ये कहते हैं, पहले तो ये कह रहे थे जब ये जेएन के एग्जाम नहीं हुए थे, लाइब्रेरियन का एक हुआ था दिसंबर 2019 में, तभी मैंने वीडियो डाला था कि ये मोस्टली यही प्रश्न है जो आपको पूछे जाएंगे और इन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, जेएन के कैंडिडेट्स भी मानने को तैयार नहीं थे। केवल 3 ही वीडियो है और इन वीडियो से इतने प्रश्न थोड़े ही देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप इन वीडियोज को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सिंसियर तरीके से देखिए, आप अनुशासित तरीके से इन वीडियोस का उपयोग कीजिए। और बाकी मैं आपको 100% ये नहीं कहता कि इन्हीं मैटर से आपको सारा का सारा ही प्रश्न है वो मिल जाएंगे, और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना ही बड़ा हो, कितने ही बड़े आपको जो ट्यूटर है, टीचर है, वो कितने ही उन्होंने पहले पढ़ा लिया हो, अध्यापन करवा लिया हो, वो ये नहीं कह सकता कि मैं जो पढ़ाऊंगा उनमें से 100% आएगा। राजस्थान जीके या किसी भी जो जीएस का पोर्शन है जनरल स्टडीज में, वो ये नहीं कह सकता। बाकी आप जैसे सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, जैसे हिंदी की है, मैथ्स की है, साइंस की है, तो उसमें तो निश्चित तौर पर एक निश्चित क्राइटेरिया होता है और उसके अकॉर्डिंग प्रश्न आते हैं। लेकिन इन चीजों का कोई स्कोप जो कह सकते हैं हम, इसका मतलब बहुत ही वाइड एरिया है। ठीक है, प्रश्न राजस्थान जीके अगर देखा जाए तो बहुत कुछ राजस्थान के बारे में लिखा गया है, कहीं से भी प्रश्न डाले जा सकते हैं। और एक अच्छी तैयारी करने वाले परीक्षार्थी के पास में उन्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने चाहिए, उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक है उसको चूज करना चाहिए, एक अपने पास में सिलेबस होना चाहिए, और उसके आधार पर उसको एक अच्छी रणनीति के साथ में तैयारी करनी होती है। वो अगर तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो बहुत ही कम मेहनत में और अच्छी वो परफॉर्मेंस एग्जाम्स में कर पाता है। तो ये सारा का सारा फंडा यही है, यही जो पेपर्स हैं और यही इनका एनालिसिस है। अच्छी तरीके से आप उनका अगर यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं आपको बता रहा था कि जेईएल के कैंडिडेट्स भी इन पर विश्वास नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि पता नहीं कितने क्या रिपीट होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मुझे मुझसे मतलब डायरेक्टली जुड़े हुए थे और उन्होंने कॉल पर भी बात की और क्या करें क्या नहीं करें, तो मैंने उन्हें यही कहा, अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियोज आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, उसके बाद में जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिए हैं आपको एज ए टेस्ट के रूप में, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जब एग्जाम आपका नजदीक आ जाए तो हाईलाइटेड फॉर्मेट वाली पीडीएफ को आप अच्छी तरीके से एक दो बार रिविजन कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उनसे उनका काफी हद तक मैं कहता हूं कि उनको इसमें सफलता प्राप्त हुई, जिसे राजस्थान जीके में कुछ भी नहीं आ रहा था वो 40 में से 30, 35, कुछ लोग 38 प्रश्न भी सही करके आए हैं पहली बार राजस्थान जीके पढ़कर। ठीक है, तो आप जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आप तो राजस्थान से, वैसे इसके राजस्थान के कल्चर से, और काफी स्टूडेंट्स आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो आपने ग्रेजुएशन में और जो आपने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है वहां तक भी आपने राजस्थान जीके को तो आई होप पढ़ा ही होगा, फिर आपके लिए ये इतना टफ काम नहीं है, बहुत ही इजी है। इनका आप अच्छी तरीके से यूज लीजिए। और बाकी अगर आप, ये भी कमेंट आ रही है कि जैसे ऐसा ही हो गई, कॉलेज लेक्चरर हो गया, इसके अलावा जो पटवारी का एग्जाम है, ग्राम सेवक का है, तो इसमें भी ये प्रश्न क्या इतने रिपीट होंगे? तो मित्रों, चीजें यही रहने वाली है, फैक्ट्स है वो यही रहने वाला है, लेकिन उसमें प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा चेंजेज आ सकता है। वो कैसे? तो आप देखिए,
यहाँ पर ये इस प्रकार से हम देखें तो ये जो पेपर्स है कंपाइलेशन में आपको बता रहा हूँ पटवार का है। तो पटवार में पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया था तो इस प्रकार से ये कूट वाले प्रश्न को ज्यादा वरीयता दी गई थी। ये जो अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं तो इस प्रकार के प्रश्न तो खैर आते ही हैं, लेकिन उसमें कूट वाले प्रश्न है वो ज्यादा दे रखे हैं। वर्तमान में रिसेंटली जो जेईएन का एग्जाम हुआ है, इसके अलावा लाइब्रेरियन इन्वेस्टिगेटर, तो इसमें ये जो इस प्रकार से प्रश्न है ना वो इसमें सीधे सीधे पूछे गए हैं। जैसे कि बेणेश्वर धाम में कौन सी जो नदियां है वो त्रिवेणी संगम बनाती है, ये सीधा सा सवाल पूछ लिया गया है। लेकिन पटवार, ग्राम सेवक, SIRAS, इन बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि फैक्ट्स तो यही रहेगा, ठीक है, ये जो त्रिवेणी आप संगम देख रहे हैं ये चीजें यही है। आप सभी को अगर फैक्चुअल रूप से ये सारी की सारी बातें पता हैं तो आप इन प्रश्नों को सही से कर पाएंगे। बाकी मैटर तो यही है कि तो बिगोद में कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है, राजमहल में कौन सी बनाती है, बेणेश्वर में कौन सी बनाती है। लेकिन वर्तमान में जो एग्जाम हो रही है उनमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जो पटवारी एग्जाम है और भी जो एग्जाम्स हैं उनमें आपको थोड़े से इस प्रकार से एक प्रश्न में दो तीन प्रश्न डालकर कूट के माध्यम से प्रश्न को थोड़ा सा क्रिटिकल बनाकर पूछा जा सकता है। तो बाकी अगर फैक्ट, अगर आपने ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स अच्छी तरीके से देख लिए हैं, आपको एक-एक फैक्ट्स अच्छी तरीके से पता है प्रत्येक जो क्वेश्चंस का, तो आपको चाहे किसी भी प्रकार से प्रश्न क्यों ना पूछे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो मेन बात ये है किस प्रकार से उसका लेवल रहेगा। तो लेवल की बात यही है कि उसमें थोड़ा सा कूट का प्रयोग है वो ज्यादा किया जा सकता है, और वर्तमान के जो एग्जाम्स हो रहे हैं इसमें डायरेक्टली सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो लेवल आपका कैसे बढ़ेगा कि प्रश्न पूछने के तरीके से बढ़ेगा, मैटर वही रहने वाला है, फैक्ट्स वही रहने वाला है। अब राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो ये है फैक्ट्स बात है। अगर प्रश्न इस प्रकार से इसमें पूछा जाए तो वो ये पूछ सकता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार ये है, एक ऑप्शन में ये दे दिया, दूसरे में राजस्थान की दक्षिण पूर्व से पश्चिम जो देशांतरीय विस्तार है वो ये है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि राजस्थान की इस जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है लंबाई और चौड़ाई का अंतर 43 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से प्रश्न चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो ये प्रश्न ऑटोमेटिकली थोड़ा लेवल का बन गया, लेकिन मैटर तो यही है, ये अगर आपको अच्छी तरीके से ये चीजें पता है तो कैसे ही प्रश्न आओ आप अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मित्रों लेवल का वैसे कुछ नहीं है, आप अगर अच्छी तरीके से प्रत्येक फैक्ट्स को अच्छी तरीके से आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आप याद कर लेंगे तो प्रश्न को किसी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कॉन्फिडेंट करता हूँ। दूसरी बात, राजस्थान की जो संविधान एवं राजव्यवस्था है तो इनसे जुड़े भी पुराने प्रश्न है, तो आपको बहुत से प्रश्न है वो रिपीटेड मिलेंगे, और बाकी जो पॉलिटी होती है वो करंट पे बेस्ड होती है। करंट में जो भी चीजें चल रही होती है उसी पर आधारित आपके अनुच्छेद पूछे जाते हैं, उसी पर आधारित आपको कुछ महत्वपूर्ण जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं रिसेंटली, अब पंचायती राज के भी चुनाव हुए हैं, तो मोस्टली ये बनता है कि आपको जो फॉरेन पॉलिसी है उनसे जुड़े भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि विदेश नीति है, ये भारतीय संविधान में कौन से जो अनुच्छेद है इसमें फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहा गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न है वो थोड़े से करंट से जोड़कर आपको पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं। बाकी मोस्टली जैसे मूल अधिकार से प्रश्न है आता है तो वो निश्चित तौर पर आएगा, एक दो प्रश्न है प्रस्तावना से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं तो वो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण चीजें होती है वो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। और यहाँ पर RSMSS भी और RPSC के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको इस PDF के जरिए मिल जाएंगे, जिससे और प्रत्येक PDF की मेन जो विशेषता वो ये है कि इस PDF के अंत में जैसे ही एक पेपर खत्म होता है
उसके अंत में उसकी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की भी अटैच की हुई है, ताकि पहले तो आप ये पीडीएफ इस पर्पज से बनाई गई है ताकि पहले आप इस पेपर में पूछे गए प्रश्नों का एक टेस्ट के रूप में अपना मूल्यांकन करें, उसके बाद में लास्ट में आंसर की डाली है तो उस आंसर की से अपना जो स्कोर है वो आप चेक कर पाए। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि क्विक रिवीजन में ये आंसर की है ये हमें काफ़ी दिक्कत दे रही है और हम क्विकली रिवीजन नहीं कर पाते। तो मित्रों, क्विकली रिवीजन के लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले इनको अच्छी तरीके से एक टेस्ट के रूप में आप दे दीजिए। टेस्ट देने में काफ़ी लोगों को मतलब बहुत ही जोर आता है, ठीक है, लेकिन जो अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्टली आप देखेंगे तो उसमें इतना आपको बेनिफिट नहीं होगा जितना आप एक टेस्ट देकर उसके बाद में उस प्रश्न का आप आंसर देखेंगे तो वो दिमाग में आपके फीड हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये प्रश्न मैंने गलत किया है और इसका करेक्ट आंसर ये है और भविष्य में भी मुझे ये करेक्ट आंसर है वो याद रखना है, ये आपकी समझ है वो इन्हीं टेस्ट पेपर से डेवलप होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको हाईलाइट करके ये नहीं दिए हैं, ठीक है। बाकी भी आपकी अगर ज़्यादा डिमांड रही तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों ही फॉर्मेट में ये चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी भी आपको मिल जाएगी, इंडियन हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी आपको आरपीएससी और एसएमएसएसबी के मिल जाएंगे। लेकिन मित्रों, इसमें क्या होता है कि इतने प्रश्न ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं प्रश्न नहीं होने की वजह से रिपीटेशन का चांस है वो थोड़ा कम होता है राजस्थान जीके की बजाय। तो इंडियन पॉलिटी कहें या फिर इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो इसमें रिपीटेशन का चांस इतना नहीं है जितना कि राजस्थान जीके में है। लेकिन फिर भी आपको अगर इंडियन हिस्ट्री के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें आपको 6 प्रश्न 7 प्रश्न तक आपको इन प्रीवियस ईयर के पेपर से मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप ये तो है नहीं कि ये 200 पे जो कि पीडीएफ है पूरी पूरी आपको कंठस्थ हो जाएगी, आप याद कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए आप कितने क्या याद कर पाते हैं वो आपकी जो मेमोरी पावर है उन पर भी डिपेंड होता है, ठीक है। इसमें से अगर 10 प्रश्न में इन पेपरों में से 8 प्रश्न आ गए और आपको 2-3 आप भूल गए याद नहीं है तो आप 5 ही कर पाएंगे, तो ये बात है मेन, ठीक है। बाकी कंप्यूटर के भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी जो विषय हैं उनसे संबंधित साइंस है, हिंदी इंग्लिश है, तो वो भी आपको पुराने पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और दूसरी बात, कुछ मित्र बोल रहे हैं कि ये जो पेपर्स हैं वो हम आपको जो मिनिमम जो पे है पेमेंट है वो करके क्यों डाउनलोड करें, इन बोर्ड की साइट पर भी मिल जाएंगे। तो मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड की साइट पर भी आप पेपर्स है वो डाउनलोड कर पाएंगे। आरपीएससी और एसएमएसएसबी के बोर्ड पर जाकर प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप है वो डाउनलोड कर पाएंगे। इस प्रकार से ये जो पेपर दे रखे हैं, और यहाँ पर इसमें मेन चीज क्या होती है कि जैसे ही हम ये पेपर डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से ये पेपर ओपन होगा, तो इस पेपर में सारे का सारा कंटेंट है वो आपको मिलेगा, यानी कि सभी विषय इसमें शामिल होंगे। जैसे कि राजस्थान का अगर आपने कोई भी पेपर उठा लिया, जैसे कि पटवारी का उठा लिया, तो पटवारी में आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के मिलेंगे, मैथ्स के मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे, इस प्रकार से कई उसमें विषय होते हैं ऐड। लेकिन अलग अलग परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग अपने विषय के अनुसार पेपर्स है वो चाहिए होते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है और उसको केवल और केवल थर्ड पेपर की तैयारी करने के लिए राजस्थान जीके का मैटर चाहिए, तो वो ये पूरा पेपर क्यों डाउनलोड करेगा? और पूरा पेपर डाउनलोड करने के बाद उसकी वो प्रिंट निकालेगा तो उसमें इस पेपर में जो 24 पेज दे रखे हैं तो इस पेपर में उसके काम के पेज तो कितने हैं? मात्र 7-8 पेज हैं, ठीक है। बाकी के पेज वो क्यों खराब करें?
तो इसीलिए मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज RPSC के और RSMSSB के सभी पेपरों का अलग अलग डिवाइडेशन किया है, और डिवाइडेशन के साथ ही आपको आंसर की भी उसमें साथ में अटैच की हुई मिलेगी, प्रत्येक पेपर के अंत में आंसर की। और पेपर में केवल पूरा पेपर का पुलिंदा नहीं है, जैसे कि ऊपर नाम लिखा है किसी भी पेपर के ऊपर कि ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का प्रश्न पत्र है, तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न जो शामिल है वो केवल और केवल भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के ही प्रश्न है, ठीक है। इसके अलावा जिस पेपर में और भी जो सब्जेक्ट एड है उनके प्रश्न उसमें आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि ये राजस्थान के इतिहास का प्रश्न पत्र है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारतीय इतिहास, ठीक है, तो भारतीय इतिहास में आपको ये डेप्यूटी कमांडेंट का पेपर है, तो डेप्यूटी कमांडेंट में बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय इतिहास 164 नंबर के प्रश्न से स्टार्ट होती है, तो मैंने केवल यही इसमें शामिल किया है। 164 से लगाकर आपको 175 तक भारतीय इतिहास के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, वही प्रश्न आपको भारतीय इतिहास की PDF में मिलेंगे, बाकी के विषयों के प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो आप एक सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्टडी कर पाएंगे, और अंत में जो आंसर की अटैच की हुई है वो आंसर की पूरे प्रश्नों की है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस पेपर में कितने से कितने प्रश्न तक भारतीय इतिहास के प्रश्न है, तो 164 से 175 तक के आपको आंसर है वो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक के जो आंसर है वो ही आपको देखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन पेपरों का सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर डिवाइडेशन किया हुआ मिलेगा, और प्रत्येक जो पेपर है प्रत्येक विषय है उनका आपको यहाँ पर डिवाइडेशन मिलेगा। तो मित्रों मिनिमम जो पेमेंट रखा है वो मेन पेमेंट इसी के लिए ही रखा है, ताकि बहुत ही ये जो पेपर्स हैं उनको कंपाइल करने में, उसके साथ में वापस आंसर की अटैच करने में बहुत ही हार्ड वर्किंग लगती है। और आप भी ट्राई करके देखना, ये जो पुराने पेपर्स हैं उनको आप देखना कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उनको अलग करो, फिर जो भी चीजें हैं उनकी आंसर की आप उसमें डालकर पूरा एक सभी पेपरों का एक कंपाइल PDF तैयार करो, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ में प्रत्येक जो आंसर की है उसको भी ध्यान रखना होता है कि जो फाइनल आंसर की है और फाइनल आंसर की उसी पर्टिकुलर पेपर की है या नहीं है, ठीक है, वो भी हमें देखना होता है। यहाँ पर आप अगर वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर आपको ये तो है नहीं कि उसमें आंसर की भी आपको साथ में मिलेगी, यहाँ पर केवल और केवल आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और आंसर की के लिए आपको इसका दूसरा डैशबोर्ड है वो ओपन करना होगा, और वहां पर देखना होगा कि इस पेपर के आंसर की कहाँ है, पूरे पूरे में आपको इस प्रकार से सर्च करके देखना होगा। तो यही इस हमारी जो पेड आपको प्रोवाइड करवाई जा रही PDF है और इस बोर्ड की PDF है, उसमें मेनली अंतर यही है, बाकी कुछ नहीं है। ये जो अगर आप करना चाहें तो इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको PDF मिल रही है ये PDF बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, और सीधे के सीधे पेपर्स हैं, आपको ना तो यहाँ पर कोई टाइपिंग एरर्स की दिक्कत आएगी, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें, और आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और ये जो मैंने मिनिमम शुल्क रखा है ये मित्रों इसीलिए रखा है क्योंकि आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो कंटेंट अगर 100% आपको फ्री में दे दिया जाए, तो पहली बात तो है कि जो फ्री में आपको मिल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो PDF अगर आपको फ्री में दे दी जाए तो उन PDF को आप इतना अच्छी तरीके से उनका आप यूज नहीं ले पाते, ये तो देख लेंगे बाद में, देख लेंगे कोई बात नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, इस प्रकार से आप टालते जाएंगे। लेकिन इन्हीं PDF को आप अगर मिनिमम शुल्क पे आउट करके 50 रुपये, 75 रुपये, हद से हद है 99 रुपये या 129 रुपये, ठीक है, ये अगर आप पे करके उसके बाद में उस PDF को आप डाउनलोड करेंगे फोन में, तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप सहेज कर रखेंगे, उसको अच्छी से सेव रखेंगे, उसकी प्रिंट आउट भी निकलवाएंगे, और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे, और इससे
आपका नुकसान बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। आप 15-20 हज़ार में कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर आप जो कंटेंट आपको दिया जा रहा होता है, लगभग 6-8 महीने में आपका सिलेबस पूरा करवाया जाता है। फिर भी आप देखते हैं कि राजस्थान जी के हमने पढ़ा, सर ने बहुत कुछ पढ़ाया, राणा सांगा, वो फलाना ढेमका सभी पढ़ा दिए, लेकिन उनमें से ही हमें केवल 70% या 60% तक ही क्वेश्चन है वो मिल रहे हैं, बाकी क्लास नोट्स में भी नहीं है। तो ये आपकी सिचुएशन कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने पर ही हो जाती है। 10-15 हज़ार रुपये जब आप देते हैं तभी हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें आपको 100-150 रुपये में मिल रही है, तो इससे बड़ा आपके लिए क्या हो सकता है, इससे बड़ी आपके फायदे वाली चीज़ क्या हो सकती है। तो जो कमेंट कर रहे हैं इससे पेड पीडीएफ के बारे में और बोल रहे हैं कि आप लूट रहे हो बच्चों को, ऐसा है वैसा है, तो उनसे एक बार मेरी निवेदन है कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछें कि ये जो मैटर हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है इसमें कितना क्या दम है, ये हमारी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कितना क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में आप कमेंट करें बेझिझक। आपके सभी कमेंट का हम बहुत ही हृदय की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करेंगे। तो मित्रों, यही जो सारी बातें थी मुझे आज आपको एक वीडियो के माध्यम से बतानी थी, आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर करने थे, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। और आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अब आप वो ये भी समझ में आ गया कि पुराने पेपर्स कितने क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कैसे क्या प्रैक्टिस करें, वीडियोस हमारे लिए देखना यूजफुल है या नहीं है। तो ये सारी की सारी आप बातें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बार बार समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी लाइव क्लासे होती है उसमें मोस्टली यही कमेंट आ रहा था, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये सेपरेटली वीडियो है वो प्रोवाइड करवाया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपकी कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो, इसके बारे में कुछ सलाह भी हमें देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।